इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ मैंने आज तक कभी कोई वॉर खेली नहीं है जितने रूल्स रेगुलेशंस के साथ आज मैं वॉर खेलने जा रहा हूं। तो भाई साहब मेरे मन में बड़ी घबराहट सी हो रखी है, आपके मन में भी थोड़ी देर में हो जाएगी जब वॉर शुरू हो जाएगी। उससे पहले चैनल पर आप लोग पहली बार आए होते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पर लाइक करना तो बनता ही है भाई। 2,65,000 सब्सक्राइबर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हम। थोड़ा सा धक्का लगा दो, थोड़ा सा धक्का लगा दो, तुरंत रहेगा काम। लो गाइस पहला अटैक आ चुका है, और यहाँ पे सीज मशीन अलाउड नहीं है टाउन हॉल 11 पे। विदाउट सीज मशीन के अटैक करना हम लोगों को सबसे पहला तो यही, और सुपर आर्चर भी मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है। बड़ा मुश्किल होगा ये भाई सफर, मेरे को ऐसा लग रहा है। अपोनेंट की तरफ से पहला अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हमारी तरफ से पहला अटैक करने आए हैं टॉक्सिसिटी। जैप लाल हो कर रहे हैं भाई साहब, फुल ओवर खेल रहा हूँ गाइस आजकल मैं सारे टाउन हॉल 11 के भी खेलूंगा, 12 के भी, 13, 14, 15, सिर्फ साउंड 15 15 के नहीं खेलेंगे, टाउन हॉल 15 के भी खेलेंगे, लेकिन अलग अलग किस्म के वॉर खेलेंगे अब हम अलग अलग रूल्स के साथ, ताकि मार्केट में मजा बना रहे। मजा नहीं बनेगा तो फिर गाइस सजा कैसे आएगी, मजा तो जरूरी है ना, मजे के बिना फिर क्या ही मजा है। फिलहाल यहाँ पे हीरो वॉक चालू है भाई, देखो मैं तो इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक ही करूंगा ठीक है, और बिना सीज के पता नहीं क्या ही हाल होएगा। सीज मशीन होती तो कंफर्म ट्रिपल मारते ही मारता, वो तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, पर देखते हैं विदाउट सीज भी ट्रिपल लग सकता है कि नहीं टाउन हॉल 11 पे इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ। पर मेरा अटैक है लास्ट, लाल क्लैन वाले कर रहे हैं टाउन हॉल 11, आसान नहीं है भाई बिना सीज के ट्रिपल मारना, ये बात तो कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सिर्फ टाउन हॉल 11 के ही ट्रूप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं डोनेशन के अंदर भी ठीक है, मतलब मैक्स ट्रूप्स का यूज नहीं कर सकते हम डोनेशन के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि सीसी में मैक्स ट्रूप लेके आ गए ना मुन्ना ना, मल्टी टारगेट अभी तक आया नहीं है, नुकसान वाली बात है ये तो। क्वीन की एबिलिटी चली गई है, मल्टी निकाल दिया क्वीन ने, नाइस। और सिर्फ एक हेस्ट और एक हील बची है यहाँ पे टॉक्सिसिटी भाई साहब के पास, बेस मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बचा है, और वार्डन एबिलिटी भी है वैसे, तो मुझे लग रहा है काम हो सकता है इस बेस का शायद। दे दे एबिलिटी दे दे, हाँ दे दी सही टाइम पे दी एकदम, मेरे को लग रहा था उधर ही रेड माइंस हो सकते हैं और उधर ही निकली, पर एबिलिटी का कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, रेड माइंस ने तब भी गिरा दिया बलून्स को। लेकिन एक हील बची हुई है अभी भी, और अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, एयर डिफेंस बचा हुआ है एक, बट वो एयर डिफेंस कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हील के सामने, हालांकि गिरा दे रहा है बलून्स को फिर भी, लेकिन बलून्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा ही है। तो भाई साहब 3 स्टार के साथ शुरुआत तो हो गई है हमारे क्लैन की, काफ़ी शानदार बात है ये, मैं नहीं चाहता ज्यादा दबाव मेरे ऊपर ही आ रहा है कि आखिरी में वापस से 3 स्टार मार के जिताना पड़े। एम्परर सुप्रियो सेकंड अटैक, और एक हीलर लेकर आया, एक हीलर से क्या ही क्वीन चार्ज करेगा ये, और 9 जैप लेके आया। एक चीज तो जैप कर दी इसने, अब ये वेट किस चीज का कर रहा है ये, अच्छा क्वीन के आने का वेट कर रहा था ये, क्वीन मार दी भाई सही है, सिंगल टारगेट भी ले गया, एयर स्वीपर सिंगल टारगेट और क्वीन को जैप कर दिया भाई ने, और 1 2 3 एक एयर डिफेंस भी जैप कर दिया है, क्योंकि चौथा एयर डिफेंस मेरे को नजर नहीं आ रहा। सीसी अभी बचा हुआ है, सीसी के लिए डबल पॉइजन लेकर आया और एक हेस्ट लेकर आया है, मात्र एक ही हेस्ट है भाई के पास, किंग यहां पे मर जाएगा, वॉल ब्रेक कर दिया गया, मल्टी टारगेट को तो क्वीन शायद ही निकाल पाएगी, एक हीलर, ओके सीसी के अंदर है बाकी हीलर्स, भाई मैं कह रहा एक हीलर से क्या ही उखाड़ेगा ये, क्वीन अगर मल्टी टारगेट यहां पे निकाल के दे देती है तो बहुत ह्यूज वैल्यू हो जाएगी क्वीन के साथ ही, क्योंकि एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो बड़ी भयानक चीज होता है। टावलून चालू कर दे जाएगा मेरे को लग रहा नीचे की तरफ से भी यहाँ पे, बिल्कुल इधर लावलून चालू हो गया है, उधर क्वीन जाएगी मल्टी टारगेट के पास, एबिलिटी जाएगी अब क्वीन की, क्योंकि
लॉक हो गया है डिफेंस क्वीन के ऊपर काफी। सीसी में से ड्रैगन और विच निकल के आ रही है, इनकी एबिलिटी गो वेंट गोन नहीं हुई है अभी तक, अच्छी बात है बची हुई है एबिलिटी। ई अटैक भी ओपी नजर आ रहा है अभी तक, क्योंकि वार्डन एबिलिटी है भाई के पास अभी तक, और बेस के अंदर ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। मेरे को लग रहा है ज्यादा ही ओपी टीम के साथ खेल रहा हूँ गाइस मैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अटैक फेल करने वाला है ना बंदा, वो मैं ही होने वाला हूँ। एक आधा बंदा अटैक फेल करे तो मेरा मनोबल बढ़ जाए। कि हाँ चलिए इसका भी फेल हो गया है भाई। ये तो बैक टू बैक दो अटैक ट्रिपल मार दिए बिना सीज के टाउन हॉल 11 पे। मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है टाउन हॉल 11 पे बिना सीज के ट्रिपल मारना। पर यहाँ तो भाई ये मक्खन मलाई की तरह पेलम पाल प्रतियोगिता चल रही है बेसिस के साथ। अब जैसे जैसे तीन स्टार बढ़ते जा रहे हैं, मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी साथ साथ हो रहा है। ठीक है। 99 टाइम फेल तो नहीं रहेगा ना, आर्मी बहुत है, बहुत आर्मी है भाई साहब। सिर्फ हमारी तरफ से ट्रिपल नहीं चल रहे हैं, अपोनेंट की तरफ से भी धना धन ट्रिपल चल रहे हैं। देखो 94, 100, 100, 100 और 200 हमारी तरफ से, बहुत खतरनाक चल रहा है मार्केट में धुआंधार मामला फिलहाल। यहाँ पे ब्लिजार्ड लालो करने वाला, नहीं 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 स्कैली डोनट कर रहा है टाउन हॉल 11 पे। स्कैली डोनट, मेरे को लग रहा है इसका डोनट ना फट जाएगा इस। आर्टिलरी भी चाहिए और चलो दोनों चीज मिल भी गई यार इसको, कमाल हो गया। तीन स्केलेटन बची हैं बीबीस के पास, एक मल्टी टारगेट बचा हुआ है कोर के पास नहीं टाउन हॉल के पास, यहां पे एयर डिफेंस को निकाल के दे देगा होग राइडर। एक एक ट्रूप लाया बिल्कुल बेस के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज अगर कोई बेस के अंदर है तो वह है मल्टी टारगेट इन्फर्नो और अपोनेंट की क्वीन। पॉइजन भाई साहब लाई नहीं है, तो मेरे को यही डाउट है कि ये मल्टी टारगेट इन्फर्नो और अपोनेंट की क्वीन कैसे आएगी। इंचार्ज में क्वीन की एबिलिटी जाएगी, हील डाल दिया यहाँ पे मल्टी टारगेट इन्फर्नो को निकालने के लिए। चलो ये चीज समझ में आती है। मेरे को तो डाउट सिर्फ एक ही चीज का है, अब जो है वो है अपोनेंट की क्वीन। तीन तीन स्केलेटन्स है वैसे, मेरे को लग रहा है इन स्केलेटन्स के साथ अपोनेंट की क्वीन को टेक डाउन करने की कोशिश की जाएगी। स्केलेटन्स का सहारा लिया जाएगा, एक हेस्ट डाल दिया, दो स्केलेटन डाल दिया, एक स्केलेटन बचा के रखी अभी, तीसरे भी डाल दी। ले भाई वार्डन एबिलिटी भी दे दिया, क्वीन गई। वार्डन एबिलिटी में स्केलेटन दे दिए इसने, देख रहा आप, बलून तो गए साथ में स्केलेटन भी वार्डन एबिलिटी में गए ताकि क्वीन मार ही ना पाए उनको। और भाई साहब एक ओ ट्रिपल आ रहा है लग रहा है, या फेल हो जाएगा। टोर्नेडो निकल गया, यहाँ पे बहुत सारे बलून गिर गए, दो तीन ही बलून बचे हैं। और एयर वाले जो वो होते हैं ना गाइस स्केलेटन्स, वो परेशान कर रहे हैं बलून्स को, पर मिनियन काफी सारे हैं और लावा पप भी है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बैक टू बैक ट्रिपल चल रहे हैं मार्केट में। होमला नंबर 4 डॉक्टर साहब लेकर आए हैं बोलर्स, 3 हीलर्स, 4 पैका, 5 जैप, डबल जंप। क्या करेगा ये मल्टी टारगेट को, मेरे को लग रहा है जैप मारेगा ये, नहीं ये तो जैप मार रहा है एक्सबो को। एक्सबो कौन जैप मारता है, क्वीन इसकी गलत जाएंगी 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 गई। मुझे लग रहा क्वीन शायद दूसरी तरफ भेजना चाहता था ये, और क्वीन दूसरी ही तरफ चली गई है। ड्रैगन और विच भर रखा है यार सीसी में इसने सारे बेस के अंदर, मेरे को लग रहा है। इधर से अगर अटैक करेगा ये आर्टिलरी कहीं से आएगी भाई। पैका उतार दिए गए हैं, किंग भाई साहब आ चुके हैं, आइस गोलम भाई साहब आ चुके हैं। किंग भाई साहब की जान तो मेरे को लग रहा है तुरंत ही खतरे में आ गई है, उतरते के साथ ही मार्केट में जंप आ चुकी है। पैका कूदेंगे यहां से, कूदेंगे नहीं कूदेंगी,
क्योंकि पैका है लोंडिया, आइस गोलम किसी काम नहीं आया, किंग मर चुका है। एक जंप लग चुकी है, एक और जंप बची हुई है, अभी डाल दी गई है, रेज मार दी गई है और वार्डन एबिलिटी बस आने ही वाली आ गई है, वार्डन एबिलिटी गाड़ दी गई है। टाउन हॉल के ऊपर कोई गया ही नहीं है, ये तीन स्टार तीन स्टार तीन स्टार के बाद वन स्टार तो नहीं आने वाला है, क्योंकि अब टाउन हॉल मेरे को लग रहा है लास्ट बिल्डिंग होने वाली है, वो जाने वाला तो है नहीं टाउन हॉल पे। बॉलर्स यहाँ पे फंसे पड़े हैं, पैका यहाँ पे फंसे पड़े हैं, अब जाएंगे पैका टाउन हॉल पे, कूद गए, अरे कूद गए, नाइस नाइस भाई, टाउन हॉल निकाल लो, वन स्टार मत मारो, थ्री स्टार ना लगे कोई दिक्कत नहीं, पर ये वन स्टार नहीं होना चाहिए। ऐसे मेरे को लग रहा है अभी भी थ्री स्टार हो सकता है, क्योंकि चार चार पैका बची हुई है और क्वीन यहाँ पे सिंगल टारगेट को निकालने की कोशिश कर रही है पर निकाल नहीं पाएगी। पैका टीएच को तो निकाल ही देंगे भाई, चाहे कैसे भी निकाले। ए चलो दो स्टार हो गया, आधी टेंशन खत्म। पीछे की तरफ सिंगल टारगेट इन्फर्नो बचा हुआ है, मुझे लग नहीं रहा कि उसको कोई टेक डाउन कर सकता है माइकल लाल इस जन्म में। तो एक अटैक हमारा फाइनली यहाँ पे फेल हो जाएगा, जिसकी मेरे को पूरी पूरी खुशी है, क्योंकि सारे ट्रिपल मार रहे थे, अगर अकेला मैं ही फेल करता तो ऐसा हो जाता गाइस, फिर सारे मिलके आप मेरे को लिख देते नूब मोगेम्बो नूब मोगेम्बो। अब कम से कम मेरा एक जोड़ीदार तो मिल गया मेरे को। अबे सिंगल टारगेट को ना निकाल देंगे, लग तो नहीं रहा मेरे को निकलेगा सिंगल टारगेट। और 97% पे जाके ये अटैक भाई देखो रह जाएगा भाई साहब। देखो अब करंट सिनेरियो क्या है, चार अटैक हो चुका हमारी तरफ से, एक अटैक 97% हुआ है, अपोनेंट की तरफ से भी चार अटैक हो चुके हैं। लकीली हमारा एक बेस वन स्टार खा गया है, पांचवा अटैक उनका चल रहा है। आइए देख लेते हैं इसको, क्या पता ट्रिपल लगे क्या पता ना लगे, मेरे को तो लग रहा है फेल ही होएगा। अगर ट्रिपल लग भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ने एक का वन स्टार हो चुका है, टाउन हॉल से टेक डाउन हो नहीं पाया, वॉर तो हम जीतेंगे। एक काम करते हैं, इस अटैक को मैं देख ही नहीं रहा, मैं तो अपना अटैक करूंगा, सीधी बात है ठीक है। अपने को करना है गाइस देखो, इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक बिना सीज मशीन के, पहली बार कर रहा हूँ, वैसे करता नहीं हूँ आजकल, आपको पता ये वाले वोर में खेलता नहीं हूँ, पर मैंने कहा चलो ये वाले टूर्नामेंट भी गाइस खेलने चाहिए जिसमें लिमिटेशंस हों। वन स्टार नहीं करना, उस चीज़ का ध्यान रखना मेरे को भी, वरना कभी जीता जीता वॉर हार जाए हम। सीसी उतार दिया गया है, रे जा चुकी है, पॉइजन डाल दी गई है, इनको फ्रीज मार देते हैं। हुई और मेरी क्वीन की एबिलिटी चली गई इतनी जल्दी, ठीक चल रहा है अभी तक अटैक गाइस। एयर डिफेंस बचा हुआ है दो दो, ये असली खतरा। टी टारगेट निकल जाएगा पर ये एयर डिफेंस बच गए हैं दो दो, कोने में है क्योंकि गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरे पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। हाई परसेंटेज पे जाके मेरे को लग रहा है ये, या लो परसेंटेज पे रह रहेगा क्या, हाई तो होना चाहिए, अभी परसेंटेज परसेंटेज से तो हारेंगे नहीं वैसे। खैर हम एक एयर डिफेंस रह गया गाइस फिर भी मार्केट में। चलो देखो मैंने अपने आपको एकदम प्रो बन के नहीं दिखाया कि वही मोगम्बो जो ट्रिपल मारता है वही वाले वोर दिखाता है। देखो गाइस मेरा अटैक कभी कभी ऐसे फेल भी हो जाता है, फिर मैं ऐसे शर्मिंदगी वाला चश्मा पहन लेता हूँ जिसमें आप मेरी आंखें ना देख सको लेकिन मैं ऐसे वोर खेलता रहूंगा ठीक है, टनल 11 के 12 के 13 के 14 के, ताकि आप लोगों को बढ़िया वोर देखने को मिलती रहे। फिलहाल यहाँ पे इस वॉर को तब भी हम जीत गए हैं और आज की वीडियो में रहेगा इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, मेरे को नूब लिखने का आज आपको मौका मिलेगा, एकदम आपका वेलकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।